चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनदेशक न्यूज़। यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अनदेशकों के संबंधित निकल कर आ रही। साथ में यहाँ पर फिर से अनदेशकों को निराशा हाथ लगी है और अगली तारीख 11 जुलाई मिली है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मानदेय 17,000 को लेकर अंशकालिक अनदेशकों की तारीख लगी थी, जिसकी सुनवाई कोर्ट केस की सुनवाई 11 बजे होनी थी। तारीख के अनुसार, समय के अनुसार हुई, लेकिन क्या ऐसी समस्या रही, क्या ऐसी दुविधा, क्या ऐसा असमंजस रहा सरकार के साथ और कोर्ट के साथ, क्या वो मेल मिलाप नहीं हो पाया कि अगली सुनवाई 11 जुलाई देनी पड़ी और इतनी लंबी। देखते हैं क्या कहा अनदेशकों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर एपी सिंह साहब ने। उत्तर प्रदेश के अनदेशकों का मामला जो अन्यवर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी 17,000 सैलरी को मान्यता दी थी और उसके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने डबल बेंच में अपील डाली हुई है, उस पर आज लगातार पिछले काफी दिनों से सुनवाई चल रही है। आज भी अनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद में अनरेबल चीफ जस्टिस साहब तथा अनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब ने सुनवाई की। आज यूनियन ऑफ इंडिया को रिटन में भी जवाब देना था, ये बताना था कि जब केंद्र सरकार 60% अनुदान देती है राज्य सरकारों को और 40% राज्य सरकारों को अपने सोर्सेस से करके सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से करना होता था, लेकिन उसमें जो आंकड़े राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अपील में दिए हैं वो आंकड़े और यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपने रिप्लाई में आंकड़े दिए हैं उनमें फर्क है, उनमें जो काफी फर्क है इस बात के लिए कि पिछले डेट पर आज के लिए रखा गया था मामला कि उसमें आज इस बात पर सुनवाई हो और ये चीज हो। तो इस तरह से ये बात जब आगे आज होनी थी तो रिटर्न में यूनियन ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं दिया। एक बात उन्होंने उसमें आगे, ये उनकी टैक्टिस है, एडजमेंट कराना, लिंगर ऑन करना, डिले करना, क्योंकि ये अपील 2017 से अनरेबल हाईकोर्ट में पड़ी हुई थी। यही लिंगर ऑन डिले टैक्टिस के तहत वो अब तक सफल रहे हैं। अब जब अनरेबल हाईकोर्ट इसको सुनवाई कर रहा था लगातार, तो भी क्योंकि आज से 11:30 बजे से सुनना था और कोर्ट में कोर्ट बहुत तैयार नहीं थे, तो बीच में फिर दूसरे मैटर लेने लगे, उसके बाद फिर उनसे पूछा गया तो उसके बाद वो नहीं थे क्योंकि अब छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तो अनरेबल हाईकोर्ट ने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि अब छुट्टियां भी इस पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो इस सबको देखते हो क्योंकि कार्य तो करना है। अब उनका लिंगरान इस तरह से जानबूझकर इंटेंशनली मैलाफाइड डिलीवरेटली इस तरह से डिले कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर वो अनुदेशक परिवार जो 27,000 प्लस के करीब इससे जुड़े हुए हैं, महिला और पुरुष अनुदेशक जुड़े हुए हैं, उनके लिए गलत है। डिले करना जस्टिस न्याय की प्रणाली के लिए गलत है। एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलने का सिद्धांत जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया उसके खिलाफ है। अब इसमें अगली सुनवाई 11 जुलाई के लिए निश्चित की गई है, इसमें अगली सुनवाई। तो साथियों, देखा क्या कहा अनदेशकों के मसीहा ने। इतना तो तय है जो सरकारें अब आपस में लड़ रही थी वो अब एक होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ताकि उन्हें मानदेय 17,000 नहीं देना पड़े अनदेशकों को। लेकिन इतना तय है ये मामला सरकार की गले की हड्डी बन चुका है। फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते जुलाई में तारीख लगी है, देखते हैं तारीख को क्या होता है।